हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज की वीडियो में रेसिपी है बेसिक वनीला टी केक की। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ये केक बनके तैयार होता है। ये परफेक्ट टी टाइम स्नैक है जिसको आप टी और कॉफ़ी के साथ अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बटर और ये रूम टेम्परेचर पर है, एकदम सॉफ्ट, और ये 100 ग्राम है। अगर आप इसे कप से मेजर करेंगे तो ये 1 कप बटर है। सबसे पहले हमें बटर को कुछ मिनट्स के लिए बीट कर लेना है। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ कि आप जो भी एक कप लें उसी से सारे मेजरमेंट लें। तो 1 कप को आप ले लें और उससे 1 कप यहाँ पर बटर ले लें। उसी सेम कप से हम यहाँ पर लेंगे 1 पूरा कप भरकर पाउडर्ड शुगर। बटर के साथ शुगर को भी ऐड करना है और उसको भी अच्छे से विस्क करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने शुगर को ऐड कर दिया। अब हमें इसे बहुत अच्छे से बीट करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये एकदम लाइट और फ्लफी सा ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम चेंज हो गया है और ये बहुत ही क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पे हमें इसमें ऐड करने हैं 3 अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पर हैं और तीनों को एक साथ नहीं ऐड करना है, एक एक करके उसको ऐड करते जाएं और इस तरह से उसको बीट करते जाएं। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने तीनों अंडों को डाल दिया है। लास्ट वाले एग के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। इसको भी बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से बीट हो चुकी हैं। इस पॉइंट पे अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा। सेम कप ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसी से मैंने बटर मेजर करा है, शुगर और मैदा। और मैदे के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सब चीज़ों को पहले स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर दें और उसके बाद इस बीटर की हेल्प से अगेन इसको बीट करें और एकदम स्मूथ इसका केक बैटर तैयार कर लें। केक बैटर रेडी है। उसको बेक करने के लिए यहाँ पर मैं ये स्क्वायर टिन यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने डस्ट करा है मैदे से। आप चाहें तो उसकी जगह पर पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तैयार किए हुए केक बैटर को इसमें डाल दें और बेक करने से पहले इस तरह से उसको टैप करें जिससे उसके एक्सेस एयर बबल्स निकल जाएँ। बेक करने के लिए ओवन को 180 डिग्री पर मैंने पहले 15 मिनट के लिए प्रीहीट किया है और अब हम इसे सेम टेम्परेचर पर बेक करेंगे 25 टू 30 मिनट्स के लिए। 25 मिनट्स के बाद आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे आफ्टर 25 मिनट्स मैंने इसको जब चेक करा तो एकदम रेडी था। इनकेस अगर आपका ये स्क्यूअर जिससे आप चेक करें क्लीन ना आए तो आप इसे अनदर 5 मिनट के लिए बेक कर दीजिएगा। केक को रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाने के बाद डीमोल्ड करके जिस भी साइज़ के आप इसके पीसेस चाहते हैं इसको काट लें। यहाँ पे मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी तैयार हुआ है। ये देखिए अंदर से एकदम परफेक्टली बेक्ड है और कितना सॉफ्ट और एकदम एरी और लाइट ये तैयार हुआ है। ये परफेक्ट टी टाइम पार्टनर है। इसके हेल्प से आप बहुत तरह के डेजर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। नॉर्मल केक जैसे पाइनएप्पल फ्लेवर्ड केक है या बटरस्कॉच केक है उसके बेस के लिए भी इस केक को आप रेडी कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट रेसिपी है बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट के साथ। आई रियली होप ये आपको पसंद आई होगी। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।